डॉक्टर साहब, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, डॉक्टर अमर सिंह आजाद जो MBBS MD हैं, मैं आचार्य मनीष, हमारे साथ डॉक्टर अवधेश पांडे वो भी MBBS MD हैं, डॉक्टर बिश्रूप राय चौधरी, डॉक्टर खादर वली और हमारे पास 250 डॉक्टर्स की टीम, हमारी पूरी टीम ने मिल के पूरे भारत से शुगर को, BP को जो गोलियां खिलाकर कंट्रोल करने का जो साइंस चल रही है, जिसको मेडिकल माफिया बोलते हैं, जो ये बोलता है कि गोली खा के कंट्रोल होती है, हम बिना दवाइयां शुगर को भी BP को भी रिवर्स करना सिखा रहे हैं, मिलेट्स के माध्यम से, कुछ हर्ब्स के माध्यम से। वो डॉक्टर साहब आप 5 पिलर बताते हो, वो 5 पिलर एक बार प्लीज अपने मुँह से बता दीजिए कि जिनसे हम लोगों को रिवर्स करना सिखाते हैं। जो हम काम कर रहे हैं उसके 5 पिलर्स हैं, थंब है जिसको, उसका सबसे बड़ा जो थंब है, सबसे बड़ा पिलर है वो है डाइट। क्योंकि जो हम 1.5 किलो 2 किलो 2.5 किलो खाते हैं रोज़, अगर वो ठीक नहीं होगा तो दवाइयाँ आप ग्रामों में खाई हुई दवाइयाँ किसी काम नहीं आएंगी। क्योंकि अगर 1.5 किलो 2.5 किलो ठीक कर लेंगे तो ग्रामों वाली जरूरत दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर खादर वली साहब बहुत ही कहते हैं, बढ़िया कहते हैं कि अगर आप डाइट खा लोगे ठीक से तो आपको कभी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ये दवाइयाँ वाइयाँ जो केमिकल दवाइयाँ खिलाते हैं एलोपैथी वाले, ये ना सिर्फ क्योर नहीं करती, उल्टा होता है कि इनकी हैबिट हो जाती है बॉडी को और फिर शरीर इनके बिना काम भी नहीं करता, और इतनी एडिक्शंस और इतनी हैबिट फॉर्मिंग है ये। और उसके अलावा जो बात समझने वाली है के इनको छोड़े बिना गुजारा इसलिए भी नहीं होता क्योंकि इनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। एक दवाई शुरू करते हो तो दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और उनके जो बीमारी के साथ साथ ये भी खुद बीमारी बन जाती हैं। एक बीमारी तो पेशेंट को लगी होती है, दूसरी बीमारी दवाइयाँ होती हैं। तो इसलिए ये बीमारी दर बीमारी का जो बरतारा है, उसको ख़त्म करने के लिए, उस विशेष सर्कल से, उस कुचक्कर से निकलने के लिए हमारे पास जो 5 पिलर्स हैं वो है डाइट, मेडिसिनल प्लांट्स, ये जो जोड़ी है, ये जोड़ी बहुत बढ़िया है, फूड प्लांट्स और मेडिसिनल प्लांट्स, ये जोड़ी हमारे लिए एक सफलता की कुंजी का जो केंद्रीय 2 पिलर हैं हमारे पास वो हैं। तीसरा एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क है, चौथा माइंड मैनेजमेंट है, और पांचवा है पैथीज की हेल्प। उन पैथीज में भी हम कहते हैं कि पहले उन पैथीज की हेल्प लीजिए जो सस्ती हैं, जो बॉडी को हार्म नहीं करती। उसमें आपकी नेचुरोपैथी सबसे बढ़िया है कि बिना किसी दवाई के खाए ही इलाज करना। उसमें आप ये जो गर्म पानी में बैठना, मड बाथ लेना और पंचकर्मा करवाना और ये सारा का सारा, मिट्टी पानी के लेप, अनीमा करना, जो भी पुराने हमारे नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक फंडे हैं, हाँ, पेट पट्टी करना, ये सारे के सारे नेचुरोपैथी के हैं। और उसके साथ फिर आयुर्वेद की मेडिसन, हर्बल मेडिसन हैं, उसके बाद होम्योपैथी है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है आपका, और साथ में कभी जब ज़रूरत पड़े तो एलोपैथी भी है। हम यहाँ एलोपैथी के कई डॉक्टर भी हमारे पास जुड़े हुए हैं, तो हम एलोपैथी भी यहाँ करते हैं। तो ये 5 पिलर्स हम जो हैं, ये पूरे का पूरा हमारे पास एक बहुत बढ़िया टूल्स हैं, जिसके बलबूते पे हम पूरे के पूरे हिंदुस्तान में जो कैंपेन कर रहे हैं। हमारा ये टीचा ही नहीं, मुझे आचार्य जी ये पूरी उम्मीद है कि हम आने वाले दशक में, हमें सिर्फ 10 साल चाहिए, हिंदुस्तान को हम इन बीमारियों से लगभग मुक्त कर देंगे। बहुत थोड़े से मरीज होंगे जो बिल्कुल ही सुस्त किस्म के और नाअहल किस्म के, जो हमारी बात नहीं सुनेंगे या जो हमारी बातें नहीं मानेंगे, वही रह जाएंगे, बाकी सब जो हैं इन बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। BP, शुगर, फैट लिवर जैसी बीमारियों को करें रिवर्स बिना किसी दवा के। अब आप भी बिना किसी दवा के अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। खान पान में बदलाव करके आप किसी भी बीमारी से आराम पा सकते हैं। आज ही स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर कॉल करें और वीडियो कंसल्टेशन के जरिए हमारे डॉक्टर से अपनी बीमारी के अनुसार डाइट प्लान प्राप्त करें।